बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उद्धव गुट को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर। उद्धव के एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। एमएलए संतोष बागर शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की। वेब जारी होने पर संतोष ने छोड़ा है उद्धव गुट। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो एक साथ हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के जो विधायक हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एमएलए संतोष बागर शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव के एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना भी करने जा रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये दबाव बढ़ता जा रहा है। और साथ ही पहले उनको सरकार बनाने की चुनौती थी, लेकिन अब उनके सामने अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या ये कहें कि शिंदे गुट में शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उससे कमजोर पड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। एमएलए संतोष बागर शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की। वीव जारी होने पर संतोष ने उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ दिया है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और लगातार ये दावे कर रहे हैं कि शिवसेना उन्हीं की पार्टी है, और यानी कि वो असली शिवसैनिक हैं, ये बात लगातार उनकी तरफ से कही जा रही है। और साथ ही उद्धव ठाकरे के सामने अब पहले तो सरकार बचाने की चुनौती थी, लेकिन अब उनके सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस पूरी कंडीशन को फेस कर पाते हैं, किस तरीके से ये जो संकट है, या ये कहें कि राजनीतिक है, उस किस तरीके से वो इसे हैंडल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने आप में एक बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले करीब 15 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, उद्धव ठाकरे बैकफुट पर जाते हुए आपको साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद अब पार्टी से भी, या ये कहें कि पार्टी अब उनके हाथ से जा सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों को अपने साथ लिया है, लगातार वो विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कि आप किस तरीके से आगे पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना है, जिसमें एकनाथ शिंदे ये साबित करेंगे कि उनकी पार्टी किस मजबूत स्थिति में है, कौन सी स्थिति में है और कौन सी कंडीशन में है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी किस तरीके से एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट का सामना करते हैं। और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एमएलए संतोष बागर शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार राजनीति हो रही है, इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे लगातार विधायकों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, और यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा को पास कर लिया था, और आज उनके सामने दूसरी परीक्षा है, यानी कि अगर वो आज फ्लोर टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों में सक्रिय हुए हैं, बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं वो लगातार उद्धव गुट को छोड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहां पर एमएलए संतोष बागर शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने पहली परीक्षा को पास कर लिया है, लेकिन आज शिंदे सरकार के सामने असली परीक्षा है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से चल रहे सियासी संकट का अंत हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, आज शिंदे विधानसभा में ये साबित करेंगे कि उनकी सरकार बहुमत में है या फिर नहीं। आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और बहुमत साबित करने के लिए लगातार यहाँ पर नेता राजनेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में फ्लो टेस्ट की आज अग्नि परीक्षा है, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग की बात करें तो उनके सामने पहले सरकार को बचाने की चुनौती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके सामने ये चुनौती है कि वो किस तरीके से शिवसेना को बचा पाते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि असली शिवसैनिक वही हैं, बाला साहेब को जो आदर्श हैं, जो उनका नेतृत्व है, कहीं ना कहीं वो बाला साहेब को फॉलो करते हैं। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, बीजेपी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना पाए और बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेलते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। और उप मुख्यमंत्री की बात कहें तो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकनाथ शिंदे के सामने आज फ्लोर टेस्ट की चुनौती रहने वाली है, एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार राजनीति में सक्रिय होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे के समर्थन में पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला बोलने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की बात कहें तो उन्होंने ये बताया था कि हम सत्ता के लालची नहीं है, हम हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से सक्रिय मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरीके से सक्रिय मोड में दिखाई दे रहे हैं।